इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बंगलुरु में अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी सुभान शरीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सुभान शरीफ पर गौसिया तालीमी इदारे के 70 मुलाजमीन को धोखा देने का इल्जाम है। शरीफ पर 70 मुलाजमीन से 78 लाख रुपए नाजायज तरीके से वसूल करने का इल्जाम लगा है। गौसिया इंटरनेशनल इंजीनियरिंग ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर अहमद शरीफ सिराज ने यह इल्जाम उन पर आयद किया है। बताया जाता है कि सुभान शरीफ ने आसामियों की हुकूमत से मंजूरी हासिल करने के लिए यह रकम वसूल की थी। वाज़ेह रहे सुभान शरीफ साल 2013 से 2018 तक गौसिया पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर वुमेन्स के चेयरमैन रह चुके हैं और अब वो अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ डॉक्टर अहमद शरीफ सिराज इस वक्त मौजूद हैं, जो कि गौसिया इंटरनेशनल इंजीनियरिंग ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जिन्होंने ये इल्जाम उस्मान शरीफ पर लगाया है। डॉक्टर अहमद शरीफ, आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। बड़ा इल्जाम आप ये लगा रहे हैं, तो कब इस इल्जाम का खुलासा हुआ इस बात का, और क्या इस इल्जाम की बुनियाद है? जी, ये 2013 का मामला है। ये जी 2013 में बगैर हमारे गौसिया के ट्रस्टीज के बोर्ड मीटिंग के इन्होंने ये काम किया है। ये हमारे पीठ पीछे का काम हुआ है। 2013 से इतना वर्षा हो गया, ये पूरे लेडीज है हमारे स्टाफ जो है जी, ये लोग मेरे तक आने थोड़ा हिचकिचाए थे, फिर बाद में ये लोग कैसा भी करके मेरे पास आए। अब देखिए, इसमें दो साल तो कोविड में निकल गए जी, और एक साल जो है हमारे को ये पूरा इन्वेस्टिगेशन करने में अपने पर्सनल ऑफिसर से डाल के अलग अलग ब्रांचेस है, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का एक ऑफिसर थे, हमारा आईटीआई ब्रांच का एक ऑफिसर थे, इन्होंने पूरा इसका जो है मुआयना किया, इसका पूरा लेके भाई इसमें ये कंप्लेंट में सच्चाई है बोले, तो मामला मेरे सामने आया, तो मैंने डिसीजन लिया कि चलो भाई इसके बारे में कुछ करेंगे। ये औरत लोग गरीब लोग का काम है और ये बच्चा को जो पैसा जाना था। लेकिन डॉक्टर अहमद शरीफ साहब, दो साल 2013 से लेकर 18 तक ये पूरा मामला चलता रहा, तब इस मामले में ऐसा नहीं लगता कि खामोशी फिर क्यों इख्तियार की गई? अगर ऐसा था तो मुलाजमीन को तभी सामने आना चाहिए था। वो उनकी गलती है, ये मामला 2013 से 18-21 तक का मामला नहीं है, ये 2013 का ही है। 2013 में ही हमने उनको गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन से इस्तीफा दे देने के लिए कह दिया और ले लिया। अभी सिर्फ वो ऑर्डिनरी ट्रस्टी है, समझ गए आप जी। तो इसमें 8 साल की गैप हो गई, तो एफआईआर में बनने में भी पुलिस यही पूछ रही थी, तो हमने उनको बताया देखिए सर ऐसा है, ये लोग हिचमिचा के मेरे सामने आए नहीं, फिर दो साल कोविड में चले गए, एक साल तो इन्वेस्टिगेशन में चला गया, फिर जाके हमने ये पूरा कंप्लेंट फाइल करके एफआईआर हासिल कर लिया है जी। और भी जगह किए हैं, ये हमारे रामनगर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी किए हैं, अभी पता चल रहा है अलबिन कॉलेज में, जो हमारी अल्लाह के फजल से इंडिया में नंबर 1 या नंबर 2 में चलती है अलग यूनिवर्सिटी के बाद जी। ये बड़ी शर्मनाक है और बिल्कुल बड़ा इंकशाफ है ये, और इल्जाम भी काफी संगीन है, क्योंकि छोटा मोटा मामला नहीं है, लाखों का मामला है और मुलाजमीन का भी इसमें मामला है। चलिए अब देखना ये होगा कि पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है और किस तरीके से इस पर मुलाजमीन को इंसाफ मिलता है। हमसे बात करने के लिए डॉक्टर अहमद शरीफ बेहद शुक्रिया।